वो इतना प्यारा दिन था। एक दिन उस छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 8 साल का व्लाद और 7 साल का निकी, वो दोनों रहते थे। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। फिर गौतम और परी वो टीचर को मिलने जा रहे थे। तभी गौतम बोला, अरे यार व्लाद ना, वो पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाने के लिए बहुत नखरे करता है, और फल और सब्जियाँ खाने के लिए वो नहीं नखरे करता है। फिर उसके बाद परी बोली, या यार वो निकी भी ना, वो व्लाद के साथ फल और सब्जियाँ ज़रूर खाता है, और है ना, ये सब जंक फूड्स खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है। फिर टीचर बोली, नहीं तुम ऐसा मत कहो, फल और सब्जियाँ खानी बहुत ज़रूरी है, उनको खाने दो। फिर वो दोनों रोते रोते हुए वो सॉबिंग करके उस व्लाद और निकी के साथ आए। और तभी व्लाद बोला, अभी हमें ही खाने दो फल और सब्जियाँ, अभी तुम गौतम खाना नहीं। फिर निकी भी बहुत गुस्सा हो गया और बोला, परी हे भी तुम्हें भी फल और सब्जियाँ खानी नहीं चाहिए। ये व्लाद और निकी की बात सुनकर वो दोनों और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, एक रेस लगानी है, इस बार भी फल और सब्जियाँ फिर से खाने लगे। तभी गौतम और परी से दोनों ने कहा कि अभी तुम्हें पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, अभी नो फल और सब्जियाँ तुम्हारे के लिए, बस मेरे के लिए भरा सब्जी, ठीक है। फिर गौतम और परी और उदास हो जाते हैं और बोले, नहीं। फिर उन्होंने जल्दी से पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज ये सब लेकर आए, और वो उदास थे बोले, ठीक है। फिर वो फल और सब्जियां खाना छोड़ते, पर व्लाद और निकी नहीं, ये गौतम और परी, और वो पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज खाने लगते हैं। वो दोनों का पेट भर चुका था, गौतम और परी का पेट वो जंक फूड से भर चुका था, व्लाद और निकी का पेट उस हेल्दी फूड से भर चुका था। और इसके बाद व्लाद बोला, चलो हम रेस लगाएंगे। निकी बोला, हाँ ठीक है चलो। ये सुनकर गौतम और परी बहुत खुश हुए और वो रेस लगाने के लिए वो तैयार हो गए। उसके बाद व्लाद बोला, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो हारेगा उसको इनाम नहीं। फिर वो दोनों और व्लाद निकी गौतम परी वो रेस लगाने के लिए तैयार होते हैं। फिर व्लाद ने टाइमर लगा लिया और बोला, 1 2 3 जाओ। फिर रेस लगाने से गौतम और परी हार गए, व्लाद और निकी जीत गए और उनको पहला इनाम मिला। पर गौतम और परी को एकदम लास्ट इनाम मिला, क्योंकि वो जीते नहीं। लेकिन व्लाद और निकी ने कोई जवाब नहीं दिया अच्छा, और बोले, हुर्रे ये गौतम और परी आउट हो गए, ये हा। फिर उन्होंने गौतम और परी को एक ब्रॉन्ज इनाम दे दिया, जो उनको पसंद नहीं था, और वो वापस घर जाते हैं। और वो गौतम और परी ने कोई जवाब नहीं दी थी।
गौतम और परी गुस्से इतने नहीं हो सकते थे, लेकिन लाद और निकी हो सकते थे गुस्से। गौतम और परी निराश हो सकते थे ये इतने छोटे बालक जैसे, और वो ना उस प्रिंसिपल सर के नहीं जा सकते थे गौतम और परी। और तात्पर्य वो फल और सब्जी खानी चाहिए, पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज खानी नहीं चाहिए, तो हम रेस कैसे लगा सकते हैं, नहीं तो हम हार जाएंगे। इसलिए फल और सब्जी खानी चाहिए तो ही हम रेस लगा सकते हैं और जीत सकते हैं। बाय बाय।